नौकरी करने वाले को अपनी बीवी से कहीं ज्यादा बॉस से डर लगता है। रीजन बड़ा सिंपल है, 24 घंटे में 8 घंटे बंदा सोता है, बच्चे 16 घंटे में 12 से 14 घंटे बॉस के साथ ही तो मंडे टू सैटरडे बॉस और संडे बीवी खून चूसने के लिए तैयार रहती है। बंदा अपने लाइफ से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पूछो मत। मतलब सुकून भी सुई की तरह चुभने लगता है। बंदा जिंदगी भर बॉस और बीवी का टारगेट अचीवमेंट करने में लगा रहता है, दौड़ता रहता है उसके पीछे, दौड़ता रहता है। फिटनेस का लेवल चाहे जो भी हो, अच्छा इस रेस में बोल्ट भी उससे हार मान चुका है। मतलब बॉस और बीवी क्रिकेट के दो विकेट के दो छोर हैं, आपको बस दोनों के बीच दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। थकना मना है, रुकना गुना है, और रनआउट की तो सोचियो मत, सोचना भी मत रनआउट होने की। जिस साइड से रनआउट होगी वही लात मारेगा, एक पेट पे लात मारेगा, दूसरा दिल पे, डिसाइड कर लो। तो आज के टाइटल की तरफ आगे चलते हैं। मतलब मार्च का महीना आते ही ना धड़कन फरारी की तरह फड़फड़ाने लगता था, भूख लगती नहीं ऐसी बात नहीं है, लगती है पर खाने को टाइम नहीं मिलता, सुट्टा और कोल्ड ड्रिंक सुरख के ना काम चला अच्छा बॉस ने हमारी पूरी टीम को ना फरवरी के महीने में पिक्चर दिखा पिक्चर था गदर, और ये हम लोगों को पता था क्योंकि हर मार्च में गदर होता है, और ये हमारे लिए कोई पहला मार्च तो था नहीं। बॉस भी नया नहीं था, फिर भी उसकी अपनी आदत, उसने दिखाया हम देखे। अच्छा बॉस ना बुकैम्बो का जुड़वा भाई जैसा दिखता है, जो हर बिग अचीवमेंट के बाद कहता है बुकैम्बो खुश होगा, और अगले ही पल कहता है कल का क्या सीन है, कल भी ऐसा ही कुछ अचीवमेंट चाहिए। जो मेरे हाथ में कोई मिस्टर इंडिया वाली घड़ी है क्या, कहां कहां से लाऊं मैं ऐसा बिजनेस, रोज रोज कहां से लाऊं इतना बिजनेस। मनी मन ये बात कह सकता था, कहता था। मतलब झूठ बोल बोल करना, सच बोल चुका हूं। कस्टमर के सामने जब जाता हूं ना, उसकी आंखों में जब देखता हूं तो कसाई जैसा दिखता हूं मैं। मतलब इतना आगे निकल चुका हूं कि पीछे मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे तो बीवी खड़ी है। दरअसल ये हमारी अपनी गलती होती है, हम ना स्टार्टिंग में ना कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसे ही मैं भी हो गया था। नहीं नहीं जब शादी हुई थी ना तो कुछ बातें बीवी को बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया था, अपनी आदत होती है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, फिर उसी में साले हम फंस जाते हैं, फंस गया। उन्हीं बातों में से एक बात ये थी कि अगर हम टारगेट 100% से ज्यादा अचीव करते हैं ना तो बोनस अच्छा मिलता है। अब बीवी को चाहिए बोनस, बोनस चाहिए। लो बेटा क्यों चाहिए बोनस पता है, उसे मेरे पड़ोस वाले पटेल जो है ना उसकी बीवी की तरह डायमंड का सेट बनाना है। मैंने कहा उसे
तू पटेल पे मत जा, देख डायमंड बनाने वाला सब कुछ खुद बेच के चला गया, सब नकली बेच रहे हैं, अभी नहीं खरीदने का, नहीं खरीदने का, खरीदना है मुझे, चाहिए मुझे, मतलब बॉस और बीबी आपकी सुन लेना ये किस्मत की बात और ऐसी किस्मत लाख में एक ही लिखवाते हैं, बाल बाकी सब मेरे जैसे ही होते है ना भाई। अब मार्च के महीने में ना मेरे बॉस का पसंदीदा हीरो होता सनी, समझ गया ना, मतलब टारगेट इतना इतना कि सुनकर सुनकर ही कितनों की टट्टी हो जाए भाई। मैं मानता हूं 10-20 ब्रांच में एक सनी पाजी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, ये जो पूरा भीड़ है ना भाई, ये नवाज और विजय राज जैसा ही होता है। अब मेरा बॉस हर विजय राज को पाकिस्तान जीतकर लाने के लिए कहता है, जाए पंप उखाड़ गार्ड पाकिस्तान जीत के लेके आ। विजय राज मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं कह सकता, उसकी औकात ही नहीं है, पर बंदा अंदर ही अंदर जरूर ये सोच रहा होता है, भाई मेरी गलती क्या हो गई, क्या गलती हो गई मेरी, मैं विजय राज हूं सनी देवल नहीं, कुछ तो रहम कर, अरे यार बकस दे यार। वो अंदर ही अंदर बोल सकता है, मुंह खोल नहीं सकता, कहा ना उसकी औकात नहीं है। मतलब बंदा सोच रहा होता है कि भाई तेरे इस टारगेट के डर से ना मेरा मोशन शुरू हो चुका है, प्लीज यार नहीं नहीं चाहिए मुझे तेरा प्रमोशन, बस टारगेट थोड़ा कम कर दे यार। पर ये बंदा मुंह खोलकर तो बोल नहीं सकता क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है, और 2 सेकंड के लिए मान लो कि मुंह खोल भी लिया तो पीछे पीटी जिसे बोनस चाहिए, लो बेटा बड़े आए, कौन बोला था ज्यादा मुंह खोलने के लिए, टारगेट अचीव कर लूंगा तो बोनस मिलेगा, अब लॉ बोनस। जब तक जिंदगी है ना भाई, एक बात समझ लो, ये 3 चीजें तुम्हें बहुत तकलीफ देगी, पहला बॉस, दूसरा बीवी, और तीसरा टारगेट। थैंक यू।